नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि मैं आपके लिए खेती संबंधी ट्रैक्टर संबंधी वीडियो लाता रहता हूं। लेकिन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वे शुगर मिल से है, जो कि आप की नॉलेज के लिए कि सभी किसान भाई हमारे शुगर मिल से जुड़े हुए होते हैं, उनके मन में ख्याल होता है कि जो हमारा प्लांट में लाइट बनती है वो टरबाइन के द्वारा किस तरीके से बनती है। क्योंकि भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि शुगर मिल में लाइट इनकी अपनी होती है, जो ये हमारी गन्ने से बैगास निकलती है, खोई बोलते हैं देसी भाषा में से, उसी को बॉलर में जलाकर ये स्टीम बनाते हैं। उसी स्टीम के द्वारा ही टरबाइन चलाई जाती है और इसी टरबाइन के द्वारा पूरे प्लांट के लिए लाइट बनाई जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपके लिए ये 3 मेगावाट की टरबाइन सकोती टांडा में है, इसी की वीडियो लेकर आया हूँ। ये किस तरीके से चलती है थोड़ा सा अपने किसान भाइयों के लिए बताऊँगा, मोटा मोटा सा थोड़ा सा उनकी समझ में आ जाए कि टरबाइन किस तरीके से वर्क करती है। तो उसी के लिए आपके लिए एक आज वीडियो लेकर आया हूँ। जो पहले स्टीम की बात कर लेते हैं, बॉलर से स्टीम आ रही है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे टरबाइन में यहाँ से एंट्री करती है भाइयों, और इसके अंदर टरबाइन के एक रोटर होता है, रोटर में पंखड़ियाँ लगी होती है, उस पंखड़ियों पर जाके स्टीम का फोर्स लगता है और ये रोटर घूमता है। और इसके जैसे कि RPM होते हैं 8325 के लगभग, और यहाँ से इसके बीच में गेयर बॉक्स आ जाता है, ये इसके RPM को कन्वर्ट करके 1500 RPM पे ये देख सकते हैं आप ऑल्टरनेटर घूम रहा है और ऑल्टरनेटर लाइट बना रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे लाइट यहाँ पे मेन पैनल में आ जाती है और इनके द्वारा सभी पैनलों के द्वारा ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और इसी से हमारा शुगर मिल चल रहा है। बाद में टरबाइन में जो महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ होती है वो ऑयल होता है टरबाइन का, सर्वो प्राइम 46 होता है इसमें, और यही इसमें लुब्रिकेशन के लिए काम आता है और इसी से ही टरबाइन की कंट्रोलिंग होती है। और इसी ऑयल को ठंडा करने के लिए हमारे पास टरबाइन के कूलर लगे होते हैं, देख सकते हैं फंक्शन कर रहता है, अंदर से तेल होता है जो कूलिंग के लिए काम करता है। और भाइयों, ये इसकी GSP है, GSP बोले तो इमरजेंसी स्टॉप वाल, इसके द्वारा टरबाइन इमरजेंसी में बंद होती है, अपने आप ऑयल का प्रेशर टूट सकता है। और ये देख सकते हैं ये भाइयों, ये गवर्नर होता है, कोई भी डीजल इंजन हो या सभी चीज़ में गवर्नर होता है, वुडवर्ड 505 का गवर्नर है। और इसी का एक सहायक भार टरबाइन पे देख सकते हैं आप, ये एक्टिवेटर है इसका, रहता है ये, यही इसे कमांड दे रहा है और इसी के अनुसार अंदर से इसे कमांड में दे और ये कंट्रोलिंग कर रहा है, जो इसके RPM को एक जगह सेट रखता है, कम फालतू नहीं होने देता, लोड पर अप डाउन करता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप भाइयों, इसकी इंटरप्रेशन है, इसकी चीज चल रहा है, ये इसका लुब्रिकेशन है जो बैरिंगो वगैरह के लिए तेल जा रहा है, ये 1.7 चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप कंट्रोल ऑयल फिल्टर है, तो कंट्रोलिंग के लिए ऑयल हमारा यूज हो रहा है। और ये थ्रस्ट वाला है भाइयों, और ये देख सकते हैं आप बैक प्रेशर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें भाइयों, जो हमारी टरबाइन से स्टीम निकलती है, एंट्री 20 kg की होती है और वहाँ से 1 kg जो स्टीम निकलती है ये हमारा इधर बॉलिंग हाउस में रस को बाउल करने के लिए, पकाने के लिए चल जाती है। और भाइयों, उसी स्टीम के द्वारा हमारा जूस भी पकाया जाता है। तो इस गवर्नर का जो सहायक है बाहर, ये हरा सा देख रहे हैं आप, एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर के आगे पायलट वाल है और रिले सिलेंडर है, इन्हीं की सहायता से जो हमारा थ्रोटल वाल है वो स्टीम की एंट्री कम या फालतू टरबाइन में देता है लोड के अकॉर्डिंग, और इसी के हिसाब से कंट्रोलिंग होती है। जैसे ही लोड आएगा तो स्टीम का वाल ज़्यादा खुल जाता है, स्टीम ज़्यादा एंटर जाएगी, और जैसे ही हमारा लोड कम होता है तो ये इतनी ही स्टीम कम कर देता है, इसी के द्वारा सारी कंट्रोलिंग होती है। और भाइयों, अगर आपको मोटी मोटी टरबाइन की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। नमस्कार।